भारतीय नारी पति के साथ 7 जन्मों का बंधन लेकर आती है। पति को परमेश्वर मानती है, परंतु एक तरफ पति धर्म और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म हो तो राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर मानने का सर्वोच्च उदाहरण है जालौर की हीरा देह। संवत 1368 ईस्वी सन 1311 शनिवार बैसाख की अमावस्या की काली अंधेरी रात की बात है। जालौर दुर्ग के एक घर में गृहिणी हीरा देह अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी थी कि अचानक तेज कदमों से वीका दैया तेज और सशंक चाल से आकर घर में घुसा और अंदर से सांकड़ चढ़ा दी। हीरा देह ने दीपक की मध्यम रोशनी में देखा कि पतिदेव कोई बहुत भारी गठरी लिए हुए आए हैं। खनक से ही समझ गई कि धन और आभूषण है, लेकिन पति की चोर नज़र से वह तुरंत भांप गई कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना धन? उसने आश्चर्य व्यक्त किया, फिर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह धन आपको कहाँ से मिला? वीका दैया कुल्ला करते हुए बोला, कहीं से भी मिला है रख लो, दुर्दिनों में काम ही आएगा। राजपूत कब से दुर्दिनों की अग्रिम व्यवस्था करने लगे हैं नाथ? अरे तुम जानती नहीं हो, आगे समय बड़ा खराब आने वाला है। धन की कमी तो धन ही से पूरी होगी ना, वीका दैया हाथ पहुंचते हुए बोला। क्षत्रिय हो, तलवार लेकर जिस दिशा में भी निकलोगे परिवार के गुजारे लायक तो मिल ही जाएगा। हीरा देह ने तलवार एक तरफ रख आसन बिछाया, भोजन की थाली लगाई और पास ही बैठकर पति से धन के स्रोत पर बात करने लगी। जालौर के बुरे दिन आने वाले हैं भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि कुछ जुगाड़ तो हो गया, वरना तो राजपूतों के लिए रक्त बहाना और स्त्रियों का जौहर देखना ही शेष रहा है। लेकिन इतना धन दिया किसने? हीरा देह हैरान थी। वह जिस कुल परंपरा से थी वहां भी धन का तो अभाव ही देखा था। बचपन से ही अपने परिजनों के बलिदान होने और युद्ध के लोमहर्षण वृतांत सुनती आई है, धन की खनक से वह इतनी परिचित नहीं थी। भोजन के उपरांत वीका दैया उसके पास बैठ गया और बहुत धीमे स्वर में प्रेम पूर्वक बातचीत करने लगा। योद्धा स्वभाव वाले पति की वाणी में आज कृत्रिमता थी, अतिशय नरमी और कायरपन। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन को जालौर दुर्ग के वे रहस्य बता दिए जिनसे उनकी सेना अंदर घुस जाएगी। ये सब बताने का ही तो पारितोषिक मिला है मुझे, वीका दैया सतर्क होकर पत्नी के मनोभाव ताड़ने लगा। हीरा देह ने पहले ही इस बात का अनुमान लगा दिया था। यह आपने अच्छा नहीं किया नाथ, वह तड़प उठी। भविष्य को देखो प्रिय, अलाउद्दीन के जीतने के बाद कानड़देव का राज समाप्त होगा, लेकिन जालौर का सूबेदार तो मैं ही बनने वाला हूं। तुम राज करोगी? राज? धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य को जो मातृभूमि से द्रोह कर प्राप्त किया जाता है। वह धन नहीं जहर है जो अपनों को धोखा देकर प्राप्त किया जाता है। हे प्रभु, यह अच्छा नहीं हुआ। वीका दैया बेपरवाह और मौन दिख रहा था। उसे अपनी पत्नी से ही आशा थी, लेकिन विश्वास था कि वे मान जाएगी। हीरा देह बोली, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम इस पाप से बच जाएं? मैं जानती हूं पूरे चरित्रहीन खानदान वाला दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी जो हमारी धरती को आक्रांत किए बैठा है, जिसने देव सोमनाथ का मंदिर लूटा, भ्रष्ट किया, शिवलिंग विच्छेद किया, उसकी बातों में आप आ गए हैं। धन की चमक ने आपको उस समय अंधा बना दिया था, लेकिन अभी भी अवसर है, आप गलती स्वीकार कर महाराज के यहाँ पेश हो जाएं। हीरा देह, तुम्हें याद नहीं है वे बुरे दिन जब तुम एकाध आभूषण के लिए तरस जाती थी? क्या तुम्हें पालकी, दास दासियों और महलों के विलास की इच्छा नहीं होती? जो सुख आज जालौर के राजा रानी भोग रहे हैं उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? हम अभी जो हैं वही ठीक है नाथ। जालौर से गद्दारी पाप है, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। इलान देणी आपणी, हलरिये हुलराय, पूत सिखावे पालने, आ मरण बढ़ाई माय। क्या आपकी माता ने आपको नहीं सिखाया? उसका दूध आप लज्जित करोगे? जालौर का क्या बिगड़ेगा? आज सोनगरा चौहान राजा है, कल दहिया होगा। हीरा देह ने वास्तव में बहुत अभाव देखा था, लेकिन ऐसे वैभव की तो उसने कल्पना नहीं की थी। वह समझ गई
की बहस करना व्यर्थ है, अब समय नहीं है। विनाश पल पल पास आ रहा है। जब सब कुछ बता ही दिया तो घात लगाकर बैठी खिलजी की सेना कभी भी किले में घुस सकती है। अपने पति के इस विश्वासघात की पीड़ा में भावों को वे पी गई, चुपचाप सोने का अभिनय करने लगी। इधर संभावित विजयों के आवेश में विकादैया निश्चिंत हो सो गया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई अंधेरा बढ़ता गया, सन्नाटा मरणांतक पीड़ा देने लगा। हीरादेवी बेचैन होती गई। वह मुगलिया इतिहास को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी आंखों के सामने वीरों के शाके, सतियों के जौहर से धधकती चिताएं, चित्कार और कोहराम तैर रहा था। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका पति जिम्मेदार था। अचानक अंधेरे में उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे वे दिन याद आ गए जब वह इस आदमी से प्रणय सूत्र बंध कर बड़े तर्प से जालोर आई थी। वह जालोर जिसका राजा धर्मपरायण विष्णु रूप कान्हड़देह है, वह जालोर जो उसके पति की मातृभूमि है, वह पति जिसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक गाए जाते हैं, वह वीरता जो किसी क्षत्रिय का सबसे बड़ा आभूषण है। इस गर्व और दर्प के सम्मुख उसने सोने चांदी के गहनों की कभी कमी महसूस नहीं की। स्त्री का सबसे बड़ा सुहाग चिन्ह तो उसका पति है, लेकिन ये कैसा पति है जो वैधव्य से भी बड़ी पीड़ा देकर जा रहा है? क्या हीरादे की संतान गद्दार कहलाएगी? हे ईश्वर, यह तूने क्या कुमति ढाई है? इस घृणित कर्म के लिए मेरे पति को ही क्यों तैयार किया? आखिर वह कौन सी घड़ी थी जब जिसे यहां की प्रजा अपना रक्षक मानती थी, यह उसी का भक्षक बनने जा रहा है? जिस महाराज का इन पर अटूट विश्वास है, ये उसी को तोड़ने जा रहे हैं? नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना ही प्रिय हो, लेकिन देश धर्म से दुश्मनी करने वाले से नाता नहीं रखा जा सकता। तो क्या भाग जाऊं? मगर मैं क्षत्रानी हूं, राजपूत की डिक्री हूं, क्षत्रियोचित आचरण ही करूंगी। कान्हड़ देव प्रबंध के कवि पद्मनाभ लिखते हैं, हीरा देवी भणई चांडा सुमुस देशाड़ई तू काल, इसों बोल हीरा दे भणियों सेजवाल त्रंबालू हणियों। अर्थात विधाता आज कैसा दिन दिखाया है कि इस चांडाल का मुंह देखना पड़ रहा है। वह निश्चय करके उठी। इस बार उसके पैरों में बिल्कुल भी डगमगाहट नहीं थी, उसके हाथ जरा भी न कांप रहे थे। पास में रखा तांबे का भारी घड़ा उठाकर विकादैया के सिर पर दे मारा। वार भरपूर था। योद्धा हुआ तो क्या हुआ, था तो गद्दार। जैसे तैसे उठने को हुआ कि हीरा ने घातक मार से उसे प्रलोक पहुंचा दिया। आधी रात को महल में हलचल हुई। दो मसालची और एक सैनिक के साथ महाराजा कान्हड़देव उठकर प्रोल में आए। उन्होंने देखा घूंघट काढ़े विकादैया की पत्नी हीरादे शांत भाव से सामने गर्दन झुकाए खड़ी है। सारी बात जानकर धीर गंभीर महाराज तुरंत समझ गए कि सामने जो देवी है, वह जो करके आई है, वैसा इतिहास में आज तक न हुआ है और न होने की संभावना है। वे झुके, दोनों हाथ आगे करके उस महामानवी के चरणों की धूली मस्तक से लगा बैठे। वीरता केवल युद्ध भूमि में दिखने वाले रक्तपात तक सीमित नहीं है, उत्सर्ग केवल लड़ाई में शीश कटाने तक ही नहीं है। क्षत्रानी की जीवन की परीक्षाएं केवल पति को युद्ध में भेजने तक ही समाप्त नहीं हो जाती। हे भारत भूमि, तूने देखा होगा अमा उसकी काली अंधेरी रात में एक पत्नी ने हजारों योद्धाओं की अकाल मृत्यु को टालने के लिए अपने ही सुहाग को समाप्त कर दिया। एक परम निर्दोष नारी ने लाखों महिलाओं की अस्मिता बचाने को अपने ही पति की बलि दे दी। एक भोली भाली अभाव में जीती भारतीय महिला के सामने आए स्वर्ण रजत की अथाह राशि को ठोकर मार ताम्र पात्र से देश के गद्दार को उड़ा दिया। यद्यपि विकादैया की गद्दारी ने जालोर को पतन के मुख की ओर धकेल दिया था, परंतु एक वीरवृत्ती नारी ने उसको मृत्युदंड देकर सिद्ध कर दिया कि पति परमेश्वर तो राष्ट्र सर्वेश्वर, पति धर्म से भी राष्ट्र धर्म बड़ा है और सबसे बड़ा। इतिहास तुम्हें भुला सकता है माँ, लेकिन राष्ट्र की चिति पर अमिट संस्कार बनकर अपने पराक्रम से सदैव सदैव के लिए महकती रहोगी माँ। हे माँ, तुम्हें नमन है माँ, नमन।